दोस्तों, क्रिकेट का खेल जहां रिकॉर्ड्स बनते और टूटते रहते हैं, इन्हीं में से कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसके बारे में जानकर हमें कई बार हैरानी भी होती है कि भला ये कैसे संभव है। आज की वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही रिकॉर्ड्स की बात करने जा रहे हैं। नंबर एक, श्रीलंकन क्रिकेट टीम हमेशा से ही अपने मैच विनिंग क्रिकेटरों की वजह से एशिया ही नहीं बल्कि विश्व भर में एक मजबूत टीम के रूप में जानी जाती रही है। लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 1982 से लेकर अभी तक खेले गए 13 टेस्ट सीरीज में केवल 2 सीरीज में ही अपनी जीत दर्ज कर पाई है। नंबर दो, ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉन को भला कौन नहीं जानता है, जिन्होंने अपनी फिरकी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को कई शानदार यादें दी है। लेकिन इतने महान और लाजवाब स्पिनर होने के बावजूद श्रीलंका के धाकड़ बल्लेबाज और पार्ट टाइम गेंदबाज रहे सनत जयसूर्या और पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के नाम ओडीआई क्रिकेट में शेन वॉन से ज्यादा विकेट दर्ज है। नंबर तीन, दोस्तों जब एक ओवर में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाज की बात की जाए तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नीदरलैंड के डॉन वॉन बुंगे, इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड और श्रीलंका के अकीला धनंजय का नाम उभर कर सामने आ जाता है, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने एक ओवर में 36 रन लुटाए थे। इसके अलावा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज विलियम लुड्डिक अपने एक ओवर में ही 43 रन लुटा चुके हैं। लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने का रिकॉर्ड 36 या 43 रन नहीं बल्कि 77 रन है? जी हाँ दोस्तों, ये सच है और ये रिकॉर्ड बना था फरवरी 1990 में न्यूजीलैंड के कैंटरबरी और वेलिंगटन के बीच खेले गए सेल ट्रॉफी के एक फर्स्ट क्लास मैच के दौरान, जहां वेलिंगटन टीम के गेंदबाज बर्ट वांस ने केवल एक ओवर की गेंदबाजी में ही 77 रन देकर ये अनोखा विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। नंबर चार, दोस्तों टेस्ट क्रिकेट के दौरान अक्सर गेंदबाज काफी मैडन ओवर डालते हैं, लेकिन लगातार 21 मैडन ओवर डालना किसी भी गेंदबाज के लिए एक बड़ा ही कठिन काम है। पर क्रिकेट को ऐसे ही अनिश्चितताओं का खेल नहीं कहा जाता है, यहाँ हर समय एक नए कारनामे की गुंजाइश बनी रहती है। और ऐसा ही एक कारनामा जनवरी 1964 को चेन्नई में खेले गए भारत बनाम इंग्लैंड के एक टेस्ट मैच में देखने को मिला, जहां इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान किफायती गेंदबाजी करते हुए दिवंगत भारतीय स्पिनर बापू नाडकर्णी ने लगातार 21 मैडन ओवर डालकर एक विश्व रिकॉर्ड ही बना दिया था और आज तक ये रिकॉर्ड अटूट ही है। उन्होंने इस पारी के दौरान 32 ओवर गेंदबाजी करते हुए कुल 27 मैडन ओवर डाले थे और केवल 5 रन ही खर्च किए थे। नंबर 5, दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो शायद आपका जवाब होगा अनिल कुंबले या फिर मुथैया मुरलीधरन। लेकिन आपका अंदाजा गलत है, सही जवाब है जिम लेकर। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड टीम के गेंदबाज रहे जिम लेकर ने जुलाई 1956 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में खेलते हुए दोनों पारियों को मिलाकर कुल 19 विकेट लिए थे। उन्होंने इस मैच के दौरान पहली पारी में 9 और दूसरी पारी में पूरे 10 विकेट लेकर एक विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया था, जिसे आज भी कोई भी गेंदबाज तोड़ नहीं पाया है। हालांकि फरवरी 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खेलते हुए भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले ने दूसरी पारी में 10 विकेट लेकर जिम लेकर के एक पारी में 10 विकेट लेने के इस रिकॉर्ड की बराबरी तो जरूर कर ली थी, लेकिन एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा 19 विकेट लेने का रिकॉर्ड आज भी जिम लेकर के नाम ही दर्ज है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।